प्रांत में मौसमी बीमारी डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप देखते हुए शहर में 25 महिलाएं पुरुषों की टीम बनाकर घर घर जाकर चेक किया। वही CMO डॉक्टर रामबदर ने समाचार 24 को बताया कि हमारे नगर में बरसात के मौसम में घर घर गलियों में मच्छरों का प्रकोप भारी मात्रा में बढ़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए CMO डॉक्टर रामबदर ने 25 महिलाएं पुरुषों की टीम बनाकर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर घर में भरे हुए पानी को निकाला जाए और स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जांच करेगी। उन्होंने बताया कि जनपद भर में पहले ही काफी मात्रा में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव जाकर मेहनत एवं लगनशीलता से दवा छिड़ककर बरसात के मौसम में होने वाले मच्छरों का पालन हो इसके लिए टीम जमीनी स्तर पर काम कर रही है। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, डेंगू को लेकर के फिरोजाबाद में आपसे टीम है, आपने टीम बनाई है, तो किस माध्यम से टीम बनाई है और क्या कहना है इसमें? मैं इसे रोकथाम के लिए हमारी 25 लोगों की बीडर चिकर की टीम अलग से लगाई गई है और 9 RRT टीम लगाई गई है। उसमें टोटल पूरे ज़िले में हमारी 24 RRT टीम लगी है, जिसमें एक मेडिकल अफसर, एक LT, एक फार्मासिस्ट हैं। और हमारे पास पूरे ज़िले में 54 प्लेस पे जांच फ्री व्यवस्था है, पूरी फ्री व्यवस्था है जांच की। और पूरे CSC PSC पूरे कितना है टोटल जगह पे सबकी दवाई उपलब्ध है। और हमने पूरे ज़िले में 2085 कर्मचारियों को लगाया जो पर डे सर्वे कर रहे हैं इसमें और रोकथाम की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, तो मानदेय इनको कितना मिलेगा सर? ये जो अभी अलग से लगाए गए 385 रुपया पर डे है इनका और ये नवंबर तक कार्य करेंगे और टोटल हमारे पूरा सहयोग करें। सर, जो शहर में डेंगू को लेकर के ये साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान पूरा हमारे नगर आयुक्त से भी बात हो चुकी है, पूरी टीम उनकी भी सहयोग कर रही है और जहाँ पे जरूरत है हर तरह की हम लोग रोकथाम कर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।